की बड़ी खबर आपको बता दें, अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर दोपहर 3:30 बजे कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। यासीन मलिक पर टेरर फंडिंग समेत कई मामले दर्ज हैं और कोर्ट में बोलते हुए यासीन मलिक ने कहा कि कोर्ट को जो सही लगे वो सजा सुनाए। तो सजा पर जो बहस चल रही थी एनआईए कोर्ट में, वो बहस पूरी हो चुकी है और अब दोपहर 3:30 बजे का इंतजार करना होगा, क्योंकि दोपहर 3:30 बजे कोर्ट ये ऐलान करेगी कि यासीन मलिक को क्या सजा दी जाए। सीधे रुक कर लेते हैं इस खबर पर, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, सजा पर 3:30 बजे फैसला आना है, लेकिन उससे पहले जो बहस हुई, क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ है? रोमाना, इस बहस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूंगा वो यासीन मलिक की खुद की दलीलें रही हैं। यासीन मलिक को जब बताया गया कि एनआईए आपके लिए अधिकतम सजा की मांग कर रही है, यानी कि मौत की सजा की मांग कर रही है, तो यासीन मलिक ने कोर्ट से क्या कहा वो समझना जरूरी है। यासीन मलिक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं यहां कोई भीख नहीं मांगूंगा, आपको जो मुझे सजा देनी है दीजिए, आपको जो सही लगता है आप मुझे वो सजा दीजिए, लेकिन मेरे खिलाफ अगर कोई आरोप थे, इतने गंभीर आरोप थे कि मैं देश के खिलाफ साजिश रच रहा हूं, आतंकी संगठनों के साथ में हूं, पाकिस्तान के पर काम कर रहा हूं, तो क्यों नहीं उस दौरान जो मुझे गिरफ्तार किया गया, क्यों नहीं उस दौरान मेरे खिलाफ जो है चार्जशीट दायर की गई। इतना ही नहीं, यासीन मलिक ने तो यहां तक कहा कि देश के 7 प्रधानमंत्री मुझसे मुलाकात करते रहे, अगर मैं आतंकियों का समर्थक था, अगर मैं आतंकियों का मददगार था, तो फिर देश के 7 प्रधानमंत्री मुझसे मुलाकात करने कश्मीर क्यों आ रहे थे। उन्होंने, यासीन मलिक ने तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। यासीन मलिक ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान तो मुझे पासपोर्ट मिला, जिसके बाद में मैंने देश में और विदेशों में जाकर के लेक्चर भी दिए, अगर इतने गंभीर आरोप थे तो मुझे पासपोर्ट क्यों दिया गया। तो यासीन मलिक ने यह बताने की कोशिश की कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये स्टेज अब निकल चुकी है, आप जो कह रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप सही नहीं है वो स्टेज निकल चुकी है, आज आप ये बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, कितनी सजा आपको मिलनी चाहिए, कम या ज्यादा। तो यासीन मलिक ने फिर दोबारा दोहराया कि मैं यहां पर दया नहीं मांगूंगा, भीख नहीं मांगूंगा, अदालत को जो सही लगता है दे, और एनआईए ने मांग की है अधिकतम मौत की सजा की। पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी, वो बहुत दूर है। आपको पता होगा, हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है, कम हियर। कोरिया सिटी
क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।